ओम शांति। हमें एक का पाठ पढ़ाने वाले सर्वशक्तिवान सदाशिव बाबा कहते हैं, एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है, उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बाप एक ही संगम का समय है और एक रस्थिति में रहना है तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। बाबा का हमें वरदान भी है, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। तो चलिए बाबा के इस वरदान का स्वरूप बने। मस्तक के बीच चमकते हुए स्टार को देखें। मैं ज्ञान सितारा हूं। मैं लकी सितारा हूं। शिव बाबा ज्ञान सूर्य है। अपने सत्य स्वरूप और सत्य पिता की स्मृति में स्थित होकर अब असत्य दुनिया की कोई भी स्मृति नहीं। मैं लकी सितारा, मैं ज्ञान सितारा, सबसे न्यारा हूं। परमात्मा प्यारा हूं। अब मन में सिर्फ एक ज्ञान सूर्य शिव बाबा की स्मृति। सिर्फ एक की ही स्मृति। मैं एक नामी हूं। एकांत प्रिय हूं। मेरा योग सिर्फ एक बाबा से है।
एक की याद में समाकर शरीर का भान पूरी तरह भूल जाए। एक के अंत में एकांत में बैठकर शरीर के भान का अंत हो जाए। एक के ही अंत में खो जाए। मैं एक नामी हूं, एकांत प्रिय हूं। एक से ही संबंध, एक से ही नाता। एक से ही वास्ता, एक से ही रिश्ता। सिर्फ मैं आत्मा और मेरा बाबा। मुझ निराकार आत्मा को अब बस एक निराकार बाबा ही दिखाई दे रहा है। निरंतर एक बाबा के संग में रहकर मुझे बाबा का रंग लग गया है। एक के ही याद में रहकर बाप समान स्थिति। जो बाबा के संकल्प वही मेरे संकल्प। जो बाबा का भाव वही मेरा भाव। जो बाबा का स्वभाव वही मेरा स्वभाव। जो बाबा के संस्कार वही मेरे संस्कार। एक के संग में एक रस स्थिति का अनुभव।
सदैव एक का पाठ पक्का करके निरंतर यही स्मृति की, एक बाप है, एक ही संगम का समय है, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति में रहकर ही मैं ऊंच पद का अधिकारी बनता हूं, शांति।